हे गाइस एंड वेलकम बैक टू और एक वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं रूबिक्स क्यूब 2x2 हिंदी में। हाँ, तो चालू करने से पहले मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। तो ये जो 2x2 है, ये अपने नॉर्मल 3x3 जैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 3x3 में एक सेंटर वाला पीस होता है, पर इसमें है सिर्फ ये कॉर्नर वाले पीसेस। पर ये भी अपने नॉर्मल क्यूब जैसे ही घूमता है। तो हाँ, और मैंने मेरे लास्ट वाले वीडियो में ये भी बोला था कि आपको अगर दो एल्गोरिदम्स पता है तो आप मोस्टली सब क्यूब सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो बेसिक एल्गोरिदम्स है। तो अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हो, पर मैं इस वीडियो में भी बता देता हूँ, जो है आपका राइट एल्गोरिदम R U R'U'। और तो ये लेफ्ट वाला जो एल्गोरिदम है वो है L'U'L'U। तो इससे ये वाला पीस ऊपर आता है जो हमें काम आ सकता है। तो हाँ, तो ये वाला जो एल्गोरिदम है वो ये वाली लेयर सॉल्व करने में यूज हो सकता है, और अगर आपको ऐसी केस आती है तो इसमें भी सॉल्व हो सकता है। तो अभी ये हो ही गया है, तो चलो शफल करते हैं और मैं अभी वीडियो स्टार्ट करूँगा। हाँ, तो और एक बात मैं भूल गया, तो आप लोगों को अभी इस क्यूब को सॉल्व करने के लिए आपको कलर वाइज करना पड़ेगा। तो वो अभी जैसे मैं सॉल्व करूँगा वैसे आपको समझ आएगा। तो ये देख सकते हो, ये पूरा वाइट है और यहाँ पे भी एक है, तो इसे आप ऐसे लगा सकते हो। पर अभी अगर आप ये लगाओगे तो ये दोनों भी प्रॉपर होने चाहिए। तो ये देख सकते हो, ये एक्चुअली हमारा प्रॉपर हो गया, पर जो ये वाला पीस है ये हमारा प्रॉपर नहीं है। तो मैंने जो अभी अभी जस्ट आपको बताया राइट और लेफ्ट वाला एल्गोरिथम्स, वो यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रेड है, मतलब इस साइड भी एक रेड और नीचे वाइट आना चाहिए। तो ये वाले पीस में देख सकते हो, यहाँ पे रेड है और यहाँ पे वाइट। तो इसे यहाँ पे लाना है, इसीलिए हम डायरेक्ट इसके ऊपर लेंगे ऐसे। अब ये राइट हैंड साइड फेस कर रहा है, तो हम राइट वाला एल्गोरिथम यूज करेंगे, जो है R U R'U'। अब ये वाला देख सकते हो, ये वाला पीस यहाँ पे आएगा क्योंकि इसमें ग्रीन है और ग्रीन यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आने के लिए हम इसे एग्जैक्ट इसके ऊपर रखेंगे ऐसे। और ये देख सकते हो, अभी ये हमारे फेस पे फेस कर रहा है, मतलब अगर हम इसे ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐड कर दूँ करना। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए L'U'L'U, उससे हमारी ये फर्स्ट लेयर हो जाती है। तो ये था बहुत इजी। अभी जहाँ पे आपको थोड़ा और दिमाग यूज़ करना पड़ेगा वो है ऊपर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये जो ऐसे पीसेस है दो, इसमें सेम कलर्स है कि नहीं। तो इन दो पीसेस में दिख रहा है कि यहाँ पे ऑरेंज है और यहाँ पे भी ऑरेंज है, मतलब ये कॉमन है। और देख सकते हो, ये वाला जो फेस है जिस पे ये दोनों है, ये है ब्लू। अभी आप बोलोगे कि ये वाला पीस तो ऑरेंज वाले साइड पे है, पर ये वाला नहीं है ना। तो इसके लिए हम इसे घुमाएंगे ताकि दोनों कॉर्नर एक ही फेस पर है और इस साइड पे भी सेम हो रहा है अभी। हाँ, तो मुझे बहुत अच्छी वाली केस आ गई है जहाँ पे सब अपने करेक्ट प्लेस पे है, पर सिर्फ ओरिएंट प्रॉपरली नहीं है। तो मैं आपको वो केस बना के ला के देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि केस है, ये रेड है, ये रेड है और ये रेड साइड पे, मैंने ये पार्ट सॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज है और ये ऑरेंज के साइड। तो अभी आपको क्या करना है, अभी अगर मुझे ये दोनों स्विच करना है तो मैं रखूँगा अपने राइट साइड और एल्गोरिथम करूँगा राइट का एक, तो R U R'U'। तो ये सामने आ जाएगा, ये उठ गया। अभी इसे ये फिर से मैंने जैसे फर्स्ट लेयर को बोला था, ये हमारे हमें फेस कर रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं और फिर हम लेफ्ट वाला एल्गोरिथम करेंगे L'U'L'U, जिससे अगर आप हाँ ये करेंगे वैसे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ब्लू रेड, अगर मैं इस पीस को ऐसे करूँगा तो प्रॉपरली उसके कलर्स यहाँ पे सेम फॉर दिस पीस, क्योंकि हमने ये स्वॉप किया। अभी इसके लिए भी सेम ही चीज़ करते हैं। तो राइट हैंड साइड वाला एक एल्गोरिथम टर्न करेंगे क्यूब, और लेफ्ट हैंड साइड वाला एक एल्गोरिथम और एक फेस पीस है। तो देख सकते हो, बहुत चांस है कि आपका एक सॉल्व ही हो जाए। अभी सिर्फ ये तो सॉल्व करना है। तो इसके लिए भी मैंने जो आपका एल्गोरिथम बताया था राइट वाला, वो ही यूज़ करना है।
देखो ये पूरा क्यूब सिर्फ दो एल्गोरिथम्स पर सॉल्व हो गया। तो अभी इसे उल्टा पकड़ते हैं ताकि वाइट साइड ऊपर आ जाए और ये वाला जो पीस होगा जिसे हमें घुमाना है वो नीचे रहे। तो अभी क्यूब को ऐसे पकड़ो, मतलब ये नीचे रहेगा, और फिर राइट वाला एल्गोरिथम करो, आर यू आर प्राइम क्यू प्राइम, जिससे ये क्यूब बाहर निकल गया, मतलब ये पीस। तो अभी ये वाला एल्गोरिथम करते रहो, क्यूब को बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, मतलब ऐसे ऐसे हिलाना नहीं है, और करते रहो जब तक ये प्रॉपरली होता नहीं। अभी नेक्स्ट पीस, तो नेक्स्ट पीस के लिए हमें ऐसे नहीं घुमाना है, हमें सिर्फ ये नीचे वाली लाइन है ना वो एक बार घुमानी है ताकि ये हमारे राइट साइड के नीचे आ जाए। और अभी फिर से राइट वाला एल्गोरिथम तब तक करो जब तक ये सॉल्व नहीं होता। तो आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम। मानने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो आर प्राइम से हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो गया। तो आपको ऐसे भी आ सकता है, तो सिर्फ क्यूब खुला और हो गया हमारा 2x2 रूबिक्स क्यूब सॉल्व, वो भी हिंदी में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ऐसी हिंदी में और भी वीडियोस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसी इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।